जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों को बड़ी कामयाबी। मेलहोरा इलाके में मुठभेड़ के दौरान मारा गया एक और आतंकी। भारत में सैन्य ठिकानों पर हमले की साजिश में जैश। सूत्रों के मुताबिक इसी महीने राजस्थान में वायुसेना के किसी कैंप पर हो सकता हमला। राफेल की नई खेप आने से पहले आर्मी चीफ नरवणे ने किया अंबाला एयरबेस का दौरा। लड़ाकू विमान राफेल का लिया जायजा। मालाबार नौसेना युद्धाभ्यास में ऑस्ट्रेलिया भी होगा शामिल। भारत ने दिया औपचारिक न्योता। जापान और अमेरिका भी होंगे शामिल। लद्दाख में डिमचौक के पास से हिरासत में लिया गया चीनी सैनिक। कई दस्तावेज भी बरामद। प्रक्रिया के तहत चीन को वापस किया जाएगा सैनिक। ले पर ट्विटर और अरुणाचल पर मोबाइल कंपनी शियोमी की सफाई। तकनीकी खामी थी, दुरुस्त कर दी गई। जम्मू कश्मीर के पूर्व सीएम फारूक अब्दुल्ला से ईडी ने की 7 घंटे पूछताछ। फारूक बोले, घबरा नहीं रहा हूं मैं, खुद पर और अल्लाह पर भरोसा है। ग्रैंड चैलेंजेस एनुअल मीटिंग 2020 को प्रधानमंत्री मोदी ने किया संबोधित। कहा, कोरोना के खिलाफ जंग में सबसे आगे हिंदुस्तान। कोलकाता के पार्क स्ट्रीट इलाके में एसटीएफ ने छापेमारी कर 1,62,00,000 रुपए की बरामद गोल्ड ज्वेलरी, 2 लैपटॉप और 2 स्मार्टफोन जब्त। नीट परीक्षाओं के परिणाम में बड़ी खामी आई सामने। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी की लिस्ट में फेल छात्र निकला एसटी कैटेगरी में ऑल इंडिया टॉपर। नीट के रिजल्ट में मृदुल रावत को मिले 329 अंक। एनटीए की ओर से आंसर की रिकॉर्डेड रिस्पॉन्सिबल शीट में मृदुल को मिले 650 अंक। दिल्ली में सोमवार के मुकाबले आज प्रदूषण का स्तर कम, जबकि नोएडा में प्रदूषण अभी भी खतरनाक स्तर पर। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की अपील, कहा, राजनीति छोड़कर सभी राज्यों को एक साथ प्रदूषण के खिलाफ जंग छेड़नी होगी। दिल्ली पुलिस ने जब्त की 1,80,00,000 रुपए की ड्रग्स। एम्बुलेंस से की जा रही थी सप्लाई, 4 तस्करों को भी किया गिरफ्तार। देवेंद्र फडणवीस का मराठवाड़ा और पश्चिमी महाराष्ट्र के 3 दिवसीय दौरा। बाढ़ग्रस्त इलाकों को राहत पैकेज देने की मांग। भारी बारिश की वजह से पुणे के कई इलाकों में बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों में भरा पानी, स्थानीय लोग हो रहे हैं परेशान। मौसम की मार से बेहाल है महाराष्ट्र। अब तक करीब 50 लोगों की मौत, लाखों हेक्टेयर की फसल को पहुंचा नुकसान। देश में बढ़ सकती है प्याज की कीमतें। प्याज मंडी लासलगांव में बाजार भाव 6,802 रुपए प्रति क्विंटल तक पहुंचा। मुंबई के चेंबूर इलाके में बीएमसी के 2 कर्मचारियों की मौत। पानी की पाइपलाइन में काम करते वक्त लगा बिजली का झटका। कैंसर का इलाज करा रहे अभिनेता संजय दत्त पर इलाज का हो रहा है अच्छा असर। परिवार के सदस्य ने पीटीआई को दी जानकारी। आज शारदीय नवरात्र का 4th दिन माता कुष्मांडा की पूजा कर रहे हैं भक्त। मंदिरों में लगा मां के दर्शन के लिए भक्तों का तांता। मुंबई के नेस्को कोविड सेंटर में गरबा। पीपी किट पहनकर स्टाफ और मरीज जमकर गरबा खेलते नजर आए। कोरोना के साथ जंग में डब्ल्यूएचओ के साथ आई स्लेज मिस्टर्स, दोनों ने मिलकर कहा वी आर फैमिली। देश में बीते 24 घंटे में कोरोना के 46,790 नए मामले आए सामने। 587 लोगों की मौत। देश में कोरोना संक्रमितों की तादाद 75,97,000 के पार। कोरोना से अब तक 115,197 लोगों की मौत। दिल्ली में पिछले 24 घंटे में कोरोना के 2,154 नए मामले आए सामने। 31 लोगों की मौत। बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा की आज बिहार में 2 चुनावी रैलियां। बक्सर और आरा में प्रत्याशियों के लिए मांगेंगे वोट। बिहार के सीएम नीतीश कुमार आज 5 चुनावी सभा को करेंगे संबोधित। तेजस्वी प्रसाद यादव भी करीब 10 रैलियां करेंगे। बिहार में ट्विटर पर भिड़े लालू और बीजेपी नेता। लालू यादव ने कोरोना में पलायन को लेकर मोदी और नीतीश पर कार्टून के जरिए कसा तंज। लालू यादव की ट्वीट के जवाब में बीजेपी ने लालू राज में क्राइम की याद दिलाई। क से क्राइम, ख से खतरा और ग से गोली लिखकर किया हमला। तेजस्वी ने सीएम नीतीश को दी खुली बहस की चुनौती। कहा, बिहार में 60 घोटाले हुए हैं और विकास कहां हुआ है ये नीतीश कुमार को बताना चाहिए। आज से बिहार चुनाव के लिए सीएम योगी का तूफानी प्रचार। पहले चरण के मतदान के लिए 6 दिन में करेंगे 18 रैलियां। शिक्षा मंत्री जगन्नाथ महतो को एयर एम्बुलेंस से भेजा गया चेन्नई। लंग्स का होगा इलाज। एयरपोर्ट पर सीएम हेमंत सोरेन भी मौजूद रहे। लखनऊ को आज सीएम योगी देंगे करोड़ों की सौगात। कैंसर संस्थान की ओपीडी और चक कंजरिया में वार्ड का करेंगे लोकार्पण। काशी विश्वनाथ मंदिर और ज्ञानवापी मामले में आज होगी सुनवाई। सुनी सेंट्रल वक्फ बोर्ड की निगरानी याचिका को लेकर सुनवाई। हाथरस केस में पीएफआई से जुड़े आरोपियों की मथुरा कोर्ट में आज पेशी। धार्मिक उन्माद फैलाने और हिंसा के लिए फंडिंग के मामले में होगी सुनवाई। बांके बिहारी मंदिर को बंद रखने के लिए फैसले का विरोध। कोर्ट में फैसले के खिलाफ याचिका, आज फिर होगी सुनवाई। हाईकोर्ट में सरकार ने मानी शिक्षक भर्ती में गड़बड़ी की बात। कहा, कम मेरिट के कुछ लोगों को मिली नियुक्ति। प्रेमी ने प्रेमिका को प्रयागराज से गुजरात ले जाकर की हत्या। गुजरात पुलिस ने आरोपी प्रेमी को प्रयागराज से किया गिरफ्तार। यूपी के सीतापुर में डकैतों का कहर। दंपत्ति को मारी गोली। 2 घरों से लाखों रुपए लूट कर ले गए डकैत। गोरखपुर में दरोगा की दादागिरी की सीसीटीवी में कैद हुई। एक मकान मालिक के पक्ष में झूठी गवाही देने से इनकार करने पर दरोगा ने किराएदारों को पीटा। यूपी से सिद्धार्थनगर में नाबालिग की बेरहमी से पिटाई का वीडियो हुआ वायरल। लड़की की करहा का भी नहीं हुआ दबंगों पर असर। प्रयागराज पुलिस ने किया शराब फैक्ट्री का भानाफोड़। गिरफ्तार, भारी मात्रा में अवैध शराब बरामद। अमेठी में पैसे के लिए भाई ने किया भाई का कत्ल। शव कुएं में फेंका, पुलिस ने 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार। अयोध्या में डॉक्टर से मांगी गई 1.5 करोड़ की रंगदारी। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए 2 आरोपियों को किया गिरफ्तार।
उत्तराखंड में आज से रोडवेज कर्मचारियों की हड़ताल, 5 महीने से वेतन नहीं मिला, रिटायर कर्मचारियों को भी नहीं मिली पेंशन। बिहार के बेगूसराय में जमीन विवाद में पिता पुत्र की गला रेतकर हत्या, इलाके में तनाव के बाद भारी पुलिस बल तैनात। जहानाबाद में आपसी विवाद में भतीजे ने चाचा को मारी गोली, आरोपी मौके से फरार, मामला दर्ज। गुमला के राइडी में 2 हॉकी खिलाड़ियों की हत्या, अपराधियों ने टांगी से काट कर ली जान। इमरती देवी को लेकर दिए अपने बयान पर कायम कमलनाथ, कहा किसी का नहीं किया अपमान, किसी को बुरा लगने का उनको अफसोस है। इमरती देवी पर अभद्र टिप्पणी का मामला चुनाव आयोग तक पहुंचा, राष्ट्रीय महिला आयोग ने कमलनाथ पर कार्रवाई के लिए लिखा पत्र। भोपाल में बिजली माफिया से परेशान लोग, फर्जी कंपनी वसूलती है मनमाना बिल, अधिकारियों पर भी मिली भगत का आरोप। एमपी में बैतूल जिला अस्पताल के गेट पर हुआ बच्चे का जन्म, करीब आधे घंटे बाद स्टाफ ने कराया अस्पताल में भर्ती। उज्जैन जिला अस्पताल के डॉक्टर अजय निगम पर निलंबन की गाज, मरीज के बेटे ने 3,000 रुपए एडवांस लेते वीडियो किया था वायरल। दुर्ग में 2 मासूम बच्चों की बासी जाम में डूबने से मौत, परिजनों ने साथी बच्चे पर लगाया हत्या का आरोप। महाराष्ट्र के गढ़चिरौली में रविवार को पुलिस और नक्सलियों के बीच मुठभेड़, 5 नक्सली हुए ढेर। पंजाब विधानसभा में धरने पर बैठे आम आदमी पार्टी के विधायकों ने खत्म किया धरना, आज विधानसभा की कार्रवाई में लेंगे हिस्सा। पंजाब विधानसभा के विशेष सत्र का आज दूसरा और आखिरी दिन, कैप्टन सरकार केंद्रीय कृषि कानून के खिलाफ सदन में पेश करेगी बिल। पंजाब में किसानों का रेल रोको आंदोलन लगातार जारी, कई ट्रेनें कैंसिल, कुछ डायवर्ट, आंदोलन की अगली रणनीति को लेकर बैठक कल। करनाल में जेजेपी नेता संतोष यादव पर एनआरआई बुजुर्ग से 6 करोड़ की ठगी का आरोप, 4 दिन की पुलिस रिमांड पर भेजे गए संतोष यादव। जयपुर में पुलिस का ऑपरेशन आग, एक बदमाश को किया गिरफ्तार, कब्जे से 3 पिस्टल और 6 जिंदा कारतूस के बरामद। जोधपुर में बीच सड़क छिड़ी खूनी जंग, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, लोगों ने एक दूसरे पर जमकर बरसाए लाठी डंडे। डबल सुसाइड से फैली सनसनी, बाड़मेर में माने मासूम के साथ कुएं में कूद कर दी जान। कर्नाटक सरकार ने बाइक सवारों के हेलमेट पहनना अनिवार्य किया, रूल तोड़ने पर जुर्माने के साथ 3 महीने के लिए ड्राइविंग लाइसेंस होगा सस्पेंड। चंबा में तेज रफ्तार का कहर, अनियंत्रित कार खाई में गिरी, 4 लोगों की मौत। पश्चिम बंगाल के दुर्गापुर में चलती बस में आग से हड़कंप, किसी के हताहत होने की खबर नहीं। अबुधाबी में राजस्थान रॉयल्स ने हासिल की जीत, चेन्नई सुपर किंग्स को 7 विकेट से दी मात, 200वें मैच को यादगार नहीं बना पाए धोनी। लक्ष्य का पीछा करने उतरी राजस्थान ने 18वें ओवर में खत्म किया मैच, चेन्नई ने राजस्थान को दिया था 126 रनों का लक्ष्य। आईपीएल में आज पंजाब और दिल्ली के बीच मुकाबला, शाम 7:30 बजे शुरू होगा मैच। आईपीएल में धोनी ने अपने नाम किया एक और रिकॉर्ड, आईपीएल में 200 मैच खेलने वाले पहले बल्लेबाज बने महेंद्र सिंह धोनी। दिल्ली कैपिटल्स में लेग स्पिनर अमित मिश्रा की जगह पर प्रवीण दुबे टीम में शामिल, उंगली में चोट के कारण आईपीएल से बाहर हो चुके हैं अमित मिश्रा। जिम्बाब्वे सीरीज के लिए कटा शोएब मलिक का पत्ता, 30 अक्टूबर को जिम्बाब्वे की टीम पाकिस्तान में वनडे और T20 मैचों की सीरीज खेलेगी। भारतीय टीम के पूर्व बल्लेबाज वीरेंद्र सहवाग का जन्मदिन आज, 42 साल के हुए सहवाग। कल्याण ज्वेलर्स के आईपीओ को सेबी से मिली हरी झंडी, कंपनी के विस्तार के लिए 1750 करोड़ रुपए जुटाने का लक्ष्य। केंद्र सरकार ने 8 सरकारी कंपनियों के शेयर बायबैक पर किया फैसला, राजकोषीय घाटे को कम करने के लिए केंद्र सरकार कर सकती है बायबैक। ब्रिटानिया की दूसरी तिमाही के नतीजे घोषित, कंपनी का मुनाफा 23% बढ़कर 495 करोड़ रुपए हुआ। सरकारी कर्मचारियों के लिए मारुति का स्पेशल ऑफर, एरेना और नेक्सा सीरीज की कार को खरीदने पर 11,000 रुपए तक की छूट। बुलेट ट्रेन के लिए लार्सन एंड टुब्रो को मिल सकता है कॉन्ट्रैक्ट, 24,958 करोड़ रुपए के साथ सबसे कम बोली लगाई। सितंबर तिमाही में एसीसी का शुद्ध लाभ 20% से ज्यादा बढ़कर 364 करोड़ रुपए, सीमेंट कारोबार का रेवेन्यू 4.31% बढ़कर 3,373.07 करोड़ रुपए रहा। हिंदुस्तान पर इमरान की पूर्व पत्नी रेहम खान का बड़ा दावा, कहा जनवरी नहीं दिसंबर में ही चली जाएगी इमरान की सरकार। अब चंद्रमा पर भी मिलेगा नेटवर्क, नासा ने नोकिया समेत कई कंपनियों के साथ किया चंद्रमा पर 4G कनेक्टिविटी के लिए करार। एरिजोना की जनसभा में ट्रंप ने जताई बड़ी जीत की उम्मीद, जबकि शुरुआती वोटिंग रुझानों में डेमोक्रेट्स की जीत के संकेत। सूडान में आतंकवाद पर बोले अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप, कहा पीड़ितों के भुगतान के बाद इसे आतंकवाद प्रायोजक श्रेणी से हटाया जा सकता है। ट्रंप ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार जो बिडेन को कहा क्रिमिनल, चुनावी रैली में बेटे हंटर बिडेन पर भी साधा निशाना। कोलोराडो में बोल्डर काउंटी के जंगलों में भीषण आग, चश्मदीद ने रिकॉर्ड किया टाइम लैप्स वीडियो। पेरिस में मारे गए स्कूली शिक्षक सैमुअल पैटी को लोगों ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि, सोमवार को बड़ी संख्या में रिपब्लिक स्क्वायर पर जमा हुए लोग। अभिषेक बच्चन, राजकुमार राव और आदित्य रॉय कपूर स्टार फिल्म लूडो का ट्रेलर हुआ लॉन्च, फिल्म फातिमा सना शेख, सान्या मल्होत्रा और पंकज त्रिपाठी भी आएंगे नजर। यशराज बैनर की फिल्म दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे की आज सिल्वर जुबली, फिल्म के 25 साल पूरे होने पर लंदन में लगेगी शाहरुख और काजोल की मूर्ति। कपिल शर्मा शो में लक्ष्मी बम के प्रमोशन के लिए पहुंचे अक्षय कुमार, सोशल मीडिया पर लिखा कपिल के शो के बिना फिल्म का प्रमोशन अधूरा है। नहीं रही गुमगुम भागे फेम इंदु दादी, 54 साल में जरीना रोशन खान का निधन। व्हाइट ट्रेडिशनल आउटफिट में छाई रश्मि देसाई, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ उनका क्यूट अंदाज।
शख्स कुछ खा रहा है लेकिन उसका साथी उसे कुर्सी में फंसाकर उससे खाने की सामान छीन लेता है। सड़क पार करते वक्त बच्चा बाइक से टकराने वाला होता है तभी एक शख्स उसे गोद में उठा लेता है। बास्केटबॉल कोर्ट में लड़की का कारनामा देखिए, कैसे ये लड़की बॉल को पोस्ट में हिट कर रही है। बारिश में बच्चे मस्ती कर रहे हैं तभी एक बच्चे को टायर में फंसाकर सड़क पर छोड़ दिया जाता है। टायर घूमते हुए काफी दूर तक चला जाता है। अभी शख्स को ही देख लीजिए कितने शानदार तरीके से डिस्क थ्रो कर रहा है। डिस्क अपने टारगेट पर ही जाकर लगती है। छत पर कंक्रीट का लेंटर डालने का काम जारी है लेकिन तभी एक हादसा हो जाता है और पूरी छत नीचे जा गिरती है। एंकर बाइक सवार से बात कर रही है लेकिन राइडर जल्दी में है और चला जाता है लेकिन बाइक के टायर से उछली कीचड़ एंकर पर आ गिरती है। अब इस साइकिल सवार के स्टंट को आप देखिए, आप तस्वीरें देखकर हैरान रह जाएंगे, साथ ही तारीफ करने पर मजबूर हो जाएंगे। पैराशूट के जरिए हवा में दो शख्स वीडियो बनाने की कोशिश कर रहे हैं लेकिन उनकी मेहनत पर एक पक्षी पानी फेर देता है। घर पर अब होगी हर खबर आपके हथेली पर। ऐप स्टोर में जाएं और डाउनलोड करें जी हिंदुस्तान ऐप। 5 भाषाओं में चुनें अपनी पसंद की भाषा। जी हिंदुस्तान के लाइव टीवी पर कीजिए क्लिक और देश दुनिया की हर खबर पर रखिए 24 घंटे अपनी नजर।